अस्पताल में अचानक से मरीजों की भीड़ आई और डॉक्टर्स इलाज में जुट गए। मामला एक साथ करीब एनसीसी के 50 कैडेट्स के तड़पने का, क्योंकि उन्होंने जहरीला खाना जो खा लिया था। इलाहाबाद के केपी इंटर कॉलेज में चल रहे एनसीसी कैंप में रात का खाना खाने के बाद करीब 50 से भी ज्यादा कैडेट्स फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। आरोप है कि कैडेट्स को बासी खाना खिलाया गया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। खाना खाते ही एक के बाद एक छात्र बेहोश होकर गिरने लगे। 15वीं बटालियन एनसीसी इलाहाबाद का 21 से 30 तक केपी कॉलेज में कैंप लगा था, सीएटीसी कैंप लगा था। हम लोग 21 से 30 तक वहाँ थे। डेली खराब खाने की वजह से आज अचानक रात को 7:30 बजे सबसे पहले लड़कियाँ खाना खाई, उसके बाद लड़के खाए। फूड पॉइजनिंग की वजह से कई वहीं लड़कियाँ गिरने लगे और करीब 70 से 80 बच्चे वहीं तुरंत बेहोश हो गए। फिर हम लोग तुरंत गाड़ी से उनको अस्पताल ले आए। इससे पहले मैं कंप्लेंट करने गया वहाँ के SM से सत्यपाल सिंह से, तो उसने मुझसे ये कहा कि करप्शन कहाँ नहीं है ये तुम बताओ, कहाँ कहाँ जाकर तुम करप्शन को रोकोगे। घटना की सूचना पाते ही कैडेट के अभिभावक परेशान हो गए और कॉलेज गेट पर खड़े हो गए, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। वो रोते बिलखते और चिल्लाते रहे। बाद में SSP ने उन्हें समझाया। बहरहाल पुलिस ने खाने के सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं, तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए बीमार बच्चों के इलाज की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।